रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में स्वामी विवेकानंद ने की, 1896 में स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते में एक मंदिर के पुजारी होते थे और वहीं पर स्वामी विवेकानंद की इनसे मुलाकात हुई। स्वामी विवेकानंद का जीवन चरितार्थ भारत में बहुत उपयोगी है और भारत की स्वतंत्रता में भी बहुत उपयोगी है। और आज भी अगर स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा जाए और आचार्य दयानंद सरस्वती को पढ़ा जाए तो शायद भारत की वैदिक व्यवस्था आज भी इस्टैब्लिश हो सकती है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उनके बचपन से शुरुआत करते हैं। हाईकोर्ट के एडवोकेट थे उनके पिताजी, उनकी संतान हैं और लीगल एजुकेशन पढ़ना चाहते थे। लीगल एजुकेशन में इनको हिस्सा दिलवा दिया गया, उसी दौरान इनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु की वजह से इनको एजुकेशन छोड़नी पड़ी, अपनी विद्या को छोड़ना पड़ा और छोड़ने के बाद ये सामाजिक हो गए। लेकिन जब ये एमए कर रहे थे एक इंग्लिश कॉलेज में तो उसी समय इनका साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस से हुआ। इनके एक इंग्लिश टीचर हुआ करते थे जो सोल की बात बता रहे थे, आत्मा की बात बता रहे थे कि शुद्ध आत्मा शुद्ध होती है। तो इन्होंने उनसे प्रत्युत्तर में पूछा, उनसे एक सवाल किया और पूछा कि भाई आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो आत्मा से शुद्ध हो? तो उन्होंने जवाब दिया, यस आई नोज अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं और वो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो इनकी जिज्ञासा हुई कि रामकृष्ण परमहंस से मिला जाए। रामकृष्ण परमहंस काली के पुजारी हैं, मूर्ति में पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा को ईश्वर प्राप्ति का साधन जरूर मानते हैं लेकिन वो अंतरात्मा या आत्मिक बातों पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि आपको कॉन्सेंट्रेट होने के लिए, एकाग्रचित्त होने के लिए एक मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है जहां पर आप एकाग्र हो जाते हैं, बल्कि सब कुछ तो अंतरात्मा में ही है, ऐसा उनका मानना है। तो रामकृष्ण परमहंस के पास ये जाते हैं उनको देखने के लिए कि ऐसा कौन सा साधु है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में मेरा टीचर कह रहा है कि एक शुद्ध आत्मा का व्यक्ति है। ये उनको देखने गए तो रामकृष्ण परमहंस चूंकि दैवी शक्तियों के धनी थे, उन्होंने देखते ही पहचाना और विवेकानंद जी से कहा, इनका नाम नरेंद्र दत्त हुआ करता था, नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद का नाम था बचपन का। स्वामी विवेकानंद तो बाद में, बहुत बाद में हुआ, रामकृष्ण परमहंस के और बाद में हुआ स्वामी विवेकानंद, महाराजा खेतड़ी ने इनका नाम रखा था। तो स्वामी जी इनके पास गए तो जैसे ही देखा रामकृष्ण परमहंस ने तो उन्होंने इनको विष्णु का अवतार बताया, बोले कि तुम तो विष्णु का अवतार हो और युग परिवर्तन करने वाले हो, तुम में हमको ईश्वर दिखाई देता है। ऐसा जब इनसे कहा तो ये वहां से हटे और हटके अपने मित्रों के साथ मखौल बना रहे थे और कह रहे थे, देखो ये बाबा कैसा हो गया, इसको क्या पागलपन चढ़ा है, हमको कहता है कि तुम विष्णु के अवतार हो, तुम ईश्वर की देन हो और इस जमीन पर युग को परिवर्तित करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारे इंतजार में ही मैं जीवित हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तुम्हारे इंतजार में ही जीवित हूं। तो ये अपने मित्रों के साथ मखौल उड़ाते हुए घूमते फिरे और लोगों से कहते घूमे कि देखो मैं विष्णु का अवतार हूं, ऐसा एक मंदिर का पुजारी मेरे को बोलता है। काफी दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर इनके पिता की मृत्यु हुई, ये लॉ पढ़ने चले गए और इनके पिता की मृत्यु होने के बाद ये वापस आए तो घर का दायित्व तो इनके ऊपर आ चुका था, ये सबसे बड़े थे और चूंकि इनके पिता हाईकोर्ट के एडवोकेट थे लेकिन आज की जैसी एडवोकेसी नहीं थी, उस समय की सात्विक एडवोकेसी थी और हिंदुस्तानी एडवोकेसी, अंग्रेज एडवोकेट तो अलग बात हो गई, भारतीय एडवोकेट तो उसके पास जीविकोपार्जन के अलावा बहुत ज़्यादा धन नहीं आता होगा। पिता की मृत्यु के बाद पूरा भार इनके ऊपर आ गया, पढ़े लिखे व्यक्ति तो थे ही, इंग्लिश एजुकेशन इन्होंने ली थी तो उन्होंने पढ़ाना लिखाना ट्यूशन वगैरह करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के बच्चों को और जो धनाढ्य वर्ग के थे, लेकिन उसके बावजूद इनका काम नहीं चलता था। फिर समय जब इनको मिलता था तो मिलने के बाद ये एक दिन
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और उनके पास बैठे थे तो उनसे तर्क वितर्क कर रहे थे कि क्या है इस ईश्वर में, मैंने तो देखा नहीं, तुमने क्या भगवान को देखा है, ऐसे वैसे जैसे तर्क एक अज्ञानी करता है अक्सर, वैसे तर्क उनके साथ कर रहे थे। तो ऐसा करते करते एक दिन स्वामी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने इनकी छाती पर एक लात मारी। रामकृष्ण परमहंस ने इनके लात मार दी, लात इनके जब सीने पे पड़ी तो ये जमीन पर गिर पड़े और जमीन पर गिरते ही इनको काली का साक्षात्कार हुआ, साक्षात इनको काली दिखाई दी। जब इनको काली दिखाई दी तो ये कहते हुए वहां से भागे कि अभी तो मेरी माँ और मेरा परिवार जीवित है, और ऐसा कहते हुए ये वहां से भाग आए। फिर इनका मन नहीं माना तो ये फिर पहुंचे, जब ये बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गए, परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था तो दयनीय स्थिति में पहुंच गए। दयनीय स्थिति में पहुंचने के बाद इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि अगर तुम्हारी देवी में शक्ति है तो मेरे परिवार का भरणोपाषण नहीं हो पा रहा है, तो मुझे धन दिलवाओ देवी से। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा देवी मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है, तुम मांग लो। तो बोले नहीं, तुम इनकी वकालत करते हो कि ये देवी देवता हैं, मैं तो मानता ही नहीं हूं। तो बोले मान के देखो, तुम मांग लो, देवी तुम्हारी भी है। तो ये जब मांगने गए तो मंदिर में बैठे ध्यान लगाया तो इनको सिर्फ देवी के दर्शन हो रहे थे, बाकी कुछ नहीं हो रहा था। इस प्रकार ये तीन बार रामकृष्ण परमहंस ने इनको मंदिर में भेजा, लेकिन तीनों बार ये अपनी बात कहने में ही इनकी जिह्वा बदल जाती थी और जिह्वा बोल ही नहीं पाती थी कि हमें भरण पोषण के लिए व्यवस्था करनी है। लेकिन इनका जब ये वापस आए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारी देवी है तो ये तो मानने लगे कि देवी है, क्योंकि अंदर जाने पर कोई हमको साक्षात्कार होता है, लेकिन तुम्हारी देवी के सामने मैं अपनी बात क्यों नहीं कह पा रहा हूं? इसका मतलब है कि तुम्हारी देवी को तुमने कुछ बरगला दिया है, तुमने कुछ ऐसा समझा दिया है कि मैं अपनी बात कह ही नहीं पाता हूं जो मां मुझसे प्रसन्न होकर और मुझे कुछ दे। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म तो, रामकृष्ण परमहंस बोले, तुम्हारा जन्म तो जनता के भलाई के लिए हुआ है, इस देश की रक्षा के लिए हुआ है, इस संस्कृति को बचाने के लिए हुआ है। विवेकानंद जी फिर उठे और बोले कि तुम तो खाली पीली फालतू बात करते हो, और हमारा तो परिवार है, उसका भरण पोषण मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन स्वामी जी से बड़ा इनका झगड़ा हुआ और झगड़ा का कारण यही कि भाई हमारे भरण पोषण की व्यवस्था करो, तुम्हारी देवी देवताओं से कहो कि भरण पोषण की व्यवस्था करें। लेकिन स्वामी जी से रामकृष्ण परमहंस तो ऐसे ही टहलते रहते थे, कुछ कहते नहीं, हंसते रहते थे बातें सुन सुन के। एक दिन ये छुप के देख रहे थे कि आखिर इस बुड्ढे की गतिविधि क्या है, ये करता क्या है, आखिर ये इसका स्टाइल क्या है। ये सब देखते समय इन्होंने देखा कि एकदम रामकृष्ण परमहंस उठे और उठकर वो सीधे भागे चले गए। भागकर वो अपनी मां के पास पहुंचे जिन्होंने उनको जन्म दिया था। मां को पेट में मरोड़ हो रही थी तो उनको शौच के लिए जाना था, ये उनको शौच के लिए ले गए और ले जाने के बाद उनको सोचा बचा के ये बिस्तर पर लिटा दिया। तो इनकी मां ने उनसे पूछा कि तुमको कैसे पता लगा कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है इस समय? तो उन्होंने कहा मां, मैं मां के, मां से मतलब मूर्ति के सामने, भगवान के सामने, माता के सामने बैठा था और अचानक मुझे पेट में गुड़गुड़ाहट लगी, मुझे तो, मेरा पेट तो खराब है नहीं, मैं तो स्वस्थ चित्त हूं, तो फिर आवश्यकता किसकी है? और मां के दर्शन कर रहा हूं, मां के ध्यान में लीन हूं, इसका मतलब मां को ही दिक्कत आती है और जमीन पर तो साक्षात आप ही मेरी माता हैं, इसलिए मुझे यह एहसास हुआ कि आपको मेरी आवश्यकता है, इसलिए मैं चला आया। स्वामी विवेकानंद इनको देख रहे थे तो इन्होंने देखते देखते ये सोचा कि यार वाकई में इस बुड्ढे के पास कुछ अद्वितीय शक्तियां तो हैं, क्योंकि इसको अचानक ये एहसास हो जाता है, हमको खैर बता रहा था लातात्मार देश कुछ हो सकता है कि कुछ हमको भ्रम हो गया हो, लेकिन इसको खुद एहसास होता है कि इसकी मां के पास, मां को आवश्यकता है और ये सब इस तरह के गढ़ता रहता है। तो ये उनके पास पहुंचे और बोले कि स्वामी जी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं करूं क्या, आप कहते हो कि इस देश के लिए मेरा जन्म हुआ है और मेरा पहला कर्तव्य मेरी मां की सेवा और मेरी बहनों का विवाह है, उनको जब तक मैं पूरा नहीं करता तो ये धिक्कार है मेरे शरीर पर जो जन्म मैंने लिया है। तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इसका समाधान है मेरे पास, तुमको धन नहीं दे सकता
लेकिन यदि तुमको ये चिंता है कि तुम्हारी मां और तुम्हारी बहनों की दिक्कत है तो उनका समाधान मेरे पास है। बोले क्या? तो चूंकि बहुत बड़े संत थे रामकृष्ण परमहंस और पूरा कलकत्ता उनको पूछता था, तो एक व्यापारी खड़ा था जिसके कुछ संतान वंतान नहीं थी, उसको बुलाया और बोले तुम ये बताओ नरेंद्र के मां और बहनों का जिम्मेदारी ले सकते हो, इनकी बहनों का विवाह कर सकते हो अपने बच्चों की तरह, नरेंद्र की मां को अपनी मां समझ सकते हो? तो उसने कहा स्वामी जी आपने पहली बार तो कुछ कहा है, और मेरे पास जो धन संपदा है उसका होना क्या है, मेरे तो कोई संतान है नहीं। स्वामी जी ने कहा कि भाई तो नरेंद्र के परिवार की जिम्मेवारी आज से तुम्हारी, नरेंद्र के परिवार को अपना परिवार, अपनी मां और अपनी बहन मानकर सारा कार्य करना जो तुमको करना है, जो नरेंद्र करता है। अब जब उसने व्यापारी ने कह दिया हां पूरी जिम्मेवारी मेरी है, और स्वामी जी ने यह भी कह दिया कि मैं हूं, अगर कोई बात होती है तो मैं हूं, तो मैं अगर कोई त्रुटि होती है तो अपनी मां से फिर मैं रिकमेंडेशन कर सकता हूं, लेकिन तुमको धन नहीं दे सकता क्योंकि तुम तो धन के लिए बने ही नहीं, तुम तो पुनरुत्थान के लिए बने हो। ऐसा जब कहा गया तो नरेंद्र का दिमाग थोड़ा सा परिवर्तित हुआ कि चिंता तो हमें जो मेन चिंता थी वो मां बाप की सेवा, मां की सेवा थी, और मां का मैं अकेला हूं जिनका भरण पोषण कर सकता हूं। इस प्रकार ये स्वामी जी के नजदीक आ गए। स्वामी जी के फिर भी अपना ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते रहे। एक दिन स्वामी जी बहुत बीमार हुए, रामकृष्ण परमहंस एक दिन बहुत बीमार हुए, तो उस बीमारी के दौरान नरेंद्र ने उनकी बड़ी सेवा की, जैसे वो अपने पिता की सेवा करते। उनका मानना ये था नरेंद्र का कि मैं अपने पिता की सेवा तो नहीं कर पाया अंत समय पर, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए गया था और मैं वकालत सीख रहा था, इसलिए मैं अपने पिता की सेवा नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपकी सेवा करके अपने पिता की सेवा का आनंद ले सकता हूं। तो बड़ी सेवा की उनकी। सेवा करने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कल मुझे जाना है, ये शरीर त्यागना है, मेरा समय आ गया है। ऐसा सुनकर बाकी शिष्यों ने कहा कि भाई बताइए महाराज हमारा क्या होगा, तो बोले तुम्हारे लिए मैं नरेंद्र को छोड़ जाता हूं, तुम सबकी रक्षा और तुम सबका गुरु नरेंद्र होगा। इस प्रकार नरेंद्र को पास बुलाकर उनके सिर पर 3 बार उन्होंने हाथ फेरा और बोले आज से मैं भिखारी हो गया और तू सारी शक्तियों का स्वामी हो गया, मेरा जन्म मेरी शक्तियां सिर्फ तुझे देने के लिए ही थी और तू राजी हो गया, तेरे परिवार का अपना इंतजाम हो गया, आज से ये आश्रम भी तू ही देखेगा, मंदिर भी तू देखेगा, और इस कल्याण, इस संसार के कल्याण के लिए अब मेरी सारी शक्तियां तेरी हो गई, तू धनवान और मैं भिखारी हो गया। ऐसा कहने के बाद दूसरे दिन उनका देहावसान हो गया। कुछ दिन उनकी 13वीं और अंतिम संस्कार वगैरह जो भी करना था वो सब संस्कार पूरे किए, और संस्कारों को पूरा करने के बाद अपने जो दूसरे गुरु भाई थे उनको मंदिर सौंपा, और मंदिर सौंपने के बाद वो स्वयं निकल पड़े सत्य की खोज में। सत्य की खोज में जब वो निकले तो कलकत्ते से सबसे पहले वो बनारस आए, और बनारस में उन्होंने वेदों को पढ़ा, वैदिक शिक्षा को ग्रहण किया, क्योंकि बनारस जो है वो शुरू से वैदिक संस्कृति और वैदिक आचार्यों, वैदिक शिक्षा के लिए धनी थी, और बनारस में संसार की आज भी वैदिक शिक्षा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है, कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी वैदिक शिक्षा की बनारस में ही है। तो बनारस की वैदिक शिक्षा की लाइब्रेरी को इन्होंने बाकायदा पढ़ा, पढ़ने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वहां से ये चल दिए। साधु थे, गेरुए कपड़े पहनते थे, हाथ में एक डंडा और एक कमंडल, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांगकर अपना भोजन करते थे, और भोजन करने के बाद जहां बैठ जाते थे वहां कुछ लोग इनसे कुछ पूछा बताई करने लगे, तो उनको ये वैदिक शिक्षा के बारे में बताने लगते थे, भारतीय मानव संस्कृति के बारे में बताने लगते थे और मानव सभ्यता के बारे में बोलने लगते थे। और मेन उद्देश्य इनका जो एक्सपाउंडेशन था पूरे के पूरे वैदिक शिक्षा का, वो मानव की सेवा। इनका मानना ये था कि ईश्वर अगर कहीं बसते हैं
तो वो मानव के हृदय में बसते हैं, और यदि एक जीव दूसरे जीव की मदद करे और दूसरे जीव की रक्षा करे तो यही उसका सबसे बड़ा धर्म है और यहीं पर वो ईश्वर का कार्य करता है। दूसरे जीव से मतलब जीव है, कोई मनुष्य की बात नहीं, जीव, कोई भी जीव जिसके अंदर प्राण है उस जीव की रक्षा करना ही ईश्वर का कार्य है, क्योंकि ईश्वर जीव के रूप में विराजमान होता है, जन्म लेता है, ऐसा इनका मानना था। चलते चलते कहीं कोई पोस्टमास्टर मिल गया तो वो इनका शिष्य हो गया, इनके साथ चल दिया। कभी किसी राजा ने इनको बुला लिया तो वहां बैठकर इन्होंने शिक्षा देनी शुरू कर दी। कुल मिलाकर देश का भ्रमण करना, भिक्षा मांगना और गांव-गांव जाकर लोगों को वैदिक शिक्षा के बारे में, मानवता के बारे में ज्ञान देना इनका उद्देश्य हुआ करता था। एक बार ये ट्रेन में बैठे जा रहे थे, एक राजा के आमंत्रण पर, राजस्थान का एक राजा था, उसके आमंत्रण पर ये जा रहे थे। तो चूंकि राजा ने टिकट दिया था तो फर्स्ट क्लास की बोगी में विराजमान थे, फर्स्ट क्लास की बोगी में बैठे थे। वहां पर दो अंग्रेज और बैठे थे जो अधिकारी वर्ग के थे। तो अंग्रेज वार्ता कर रहे थे इंग्लिश में कि भारत ऐसा निकृष्ट लोगों का देश है, जब कोई व्यक्ति कर्म छोड़ता है तो वो साधु बन जाता है, वो साधु बन जाता है और भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करता है, ऐसे निकृष्ट लोगों का ये देश भारत है, इसीलिए हम इस पर कब्जा कर पाए, इस प्रकार के लोग यहां पाए जाते हैं। स्वामी जी सुन रहे थे, स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक स्टेशन पर अंग्रेजों के लिए पानी आया, चूंकि अंग्रेज अधिकारी थे तो स्टेशनें तो सारी अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों ने ही रेलवे लाइन बिछाई थी। तो जब इनके लिए पानी आया अंग्रेजों के लिए, तो स्वामी जी को भी प्यास लगी थी, तो उन्होंने उस अंग्रेज से इंग्लिश में कह के प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर टू मी ऑल्सो, जब कहा तो अंग्रेजों को समझ में आया ये साधु तो अंग्रेजी जानता है, पानी तो पी लिया। अब अंग्रेज ये सोच रहे थे बार बार कि आखिर ये साधु जब अंग्रेजी जानता है और हम इतनी देर से इसको धो रहे हैं बैठे, तो इसने जवाब क्यों नहीं दिया। ऐसा करने पर जब वो उतरने लगे स्वामी जी, तो स्वामी जी से अंग्रेजों ने पूछा कि एक्सक्यूज मी, वी वॉन्ट टू नो अबाउट यू एंड वाई नॉट यू वॉज रिस्पॉन्डेड टू मी वेन वी आर इन अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम हम आपको गालियां देते आ रहे हैं लंबे समय से, तो तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे थे। तो स्वामी जी ने एक शब्द में जवाब दिया, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट विद द फूल्स, ये पहला मौका नहीं है जब मैं किसी मूर्ख से मिला हूं, और मूर्ख को जवाब देना मूर्खता होती है, इसलिए मैं तुमको जवाब नहीं दे सकता। और ऐसा कहते हुए स्वामी जी ट्रेन से उतरकर चले गए। राजा के पास पहुंचे तो चूंकि दीवान ने बुलाया था, दीवान इनका भक्त था, और राजा अंग्रेजों के साथ, चूंकि अंग्रेजी शासन तो पूरा भारत में हो ही चुका था 1857 के बाद, तो जितने भी राजा बैठे थे वो सब अंग्रेजी पेंशन भोगी थे, काम तो अंग्रेजों के लिए कर रहे थे, राजा नाम के भारतीयों के लिए थे। तो जब ऐसा हुआ राजा के पास गए तो राजा आखेट करके अंग्रेजों के साथ वापस आ रहा था। स्वामी जी अंदर पहुंचे और अंदर पहुंचने के बाद दीवान ने राजा से मिलवाया, तो स्वामी जी ने पहला शब्द जो राजा से कहा वो ये कहा कि क्यों अंग्रेजों के साथ मिलकर परजीव की हत्या कर रहे हो, यदि किसी जीव को तुम पालन पोषण नहीं कर सकते तो किसी जीव की हत्या में तुमको क्या मिलता है, और ये अंग्रेज हैं इनके चक्कर में पड़ोगे, ये तो गुलाम बनाने आए हैं और ये भारतीय संस्कृति को समाप्त करने आए हैं। तो राजा चूंकि आखेट करके आ रहा था, भरी सभा में राजा से ऐसा कोई साधु कह दे और राजा भी अंग्रेजी स्टाइल में पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट किए हुए, तो उनको आ गई गुस्सा, और गुस्सा आने के बाद उसने कहा कि तुम पढ़े लिखे तो बहुत लगते हो और तुम्हारे बारे में हमने सुना भी है कि तुम बड़े एजुकेटेड हो, अरे क्यों नहीं किसी अंग्रेजी कंपनी के साथ या अंग्रेजी संस्था में नौकरी कर लेते, भरण पोषण तो तुम्हारा हो नहीं था, भरण पोषण तो तुमको हो जाता, तुम ये भीख मांग कर क्यों घूम रहे हो, भीख तो वो मांगते हैं जिनके पास टैलेंट नहीं होता।
और तुम तो बड़े टैलेंटेड हो और बड़े पढ़े लिखे हो, तो फिर भी तुम भीख मांगने के लिए निकल गए। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि अगर हम अंग्रेजों की नौकरी कर लेंगे तो इस देश को दिशा कौन दिखाएगा? इस देश को दिशा दिखाने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं इस देश को दिशा दिखाने के लिए आया हूं। तो उसने कहा, अच्छा दिशा दिखाने के लिए आए हैं तो ये बताओ कि इन मूर्तियों में काठ की और लोहे की और पत्थर की मूर्तियों में क्या रखा है? इनमें घंटी बजाते घूमते हो तुम सब लोग, क्योंकि अंग्रेजी संस्कृति आ चुकी थी राजा के पास। तो वो बोला कि ये घंटियों में तुम्हारा क्या रखा है और ये क्या तुम इन मूर्तियों को घंटी बजा बजा के जगाते रहते हो? ये तो काठ की है, यानी कि लकड़ी की, पत्थर की और लोहे की मूर्तियां हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि मूर्ति पूजा को तो मैं भी नहीं मानता, मैं तो आत्म ज्ञान को मानता हूं। लेकिन दीवान को बुलाया और दीवान से कहा कि राजा की पोर्ट्रेट टंगी हुई थी, पोर्ट्रेट से मतलब राजा की एक तस्वीर, उस समय फोटोग्राफ तो नहीं बनता होगा, हाथ से बनती होगी, तो राजा की एक पोर्ट्रेट टंगी हुई थी। दीवान को बुलाया और उससे कहा कि इस पर थूको, पोर्ट्रेट पर। तो दीवान आगे बढ़ के पीछे हट गया, उसने कहा ये क्या कह रहे हो स्वामी जी, पोर्ट्रेट पे कैसे थूक दूं मैं, इसमें तो राजा की पोर्ट्रेट है। तो और सेवकों से कहा कि इस पोर्ट्रेट पे थूको, इस फोटो पे थूको। किसी ने थूकने से इनकार कर दिया, राजा से कहा कि तुम थूको। तो राजा ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या साधु, अरे ये मेरी फोटो है, इस पर मैं क्यों थूक दूं? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि ये फोटो है, आप तो नहीं है राजा, राजा तो नहीं है ना ये फोटो, राजा तो आप हैं, ये फोटो तो आपका एक प्रतिबिंब मात्र है, तो इसमें थूकने में क्या बुराई है? आप आदेश दें अपने सेवकों को कि ये उस पर थूकें। तो राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस पर थूको, फिर भी कोई थूकने को तैयार नहीं हुआ, फिर भी कोई थूकने को तैयार नहीं हुआ। ऐसा सिचुएशन जब आ गई तो राजा से उन्होंने कहा, देखा राजा, तुम पर नहीं थूक रहे हैं, तुम नहीं हो उसमें, फिर भी ये थूकने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी तस्वीर में आपके सेवकों को आपका चेहरा दिखाई देता है और आपकी अनुपस्थिति में और आपके पिता की मृत्यु के बाद आप अपने पिता को कहां देखते हो? इस तस्वीर में ही तो अपने पिता को देखते हो जो तुम्हारे पिता की तस्वीर है, और इस तस्वीर में ये सब तुमको देखते हैं जो तुम्हारी तस्वीर है। इस तस्वीर में तुम्हारे पिता तो हैं नहीं, तुम्हारे पिता तो मर चुके हैं और तुम तो साक्षात सामने बैठे हो, तो फिर इस तस्वीर पर थूकने से ये लोग क्यों डरते हैं और तुम्हारे आदेश के बावजूद थूकने को तैयार नहीं है, ऐसा क्या? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि मूर्ति में ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर का प्रतिबिंब अगर कहीं किसी ने देखा है, किसी मूर्ति में, किसी कांठ में, किसी पेड़ में, किसी पौधे में, किसी इंसान में, यदि उसने ईश्वर का प्रतिबिंब देखा है तो उसका सम्मान करना उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो सम्मान कर रहा है और उसमें वो ईश्वर को देख रहा है, इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। और बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई मूर्ति स्वयं तो कहती नहीं कि हमारी पूजा करो, कोई पेड़ भी नहीं कहता मेरी पूजा करो, कोई कांठ भी नहीं कहता मेरी पूजा करो, और कोई पत्थर भी नहीं कहता, लेकिन श्रद्धा स्वरूप यदि आप मान लेते हैं कि इसमें ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में विराजमान है। स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर तो घर की कढ़ाई और कढ़ाई में चलने वाले चम्मच में भी ईश्वर विराजमान है, जो कि भोजन बनाकर आपको दे रहा है और आपके जीवन का यापन कर रहा है। तो स्वामी जी का मानना था कि यह सब कुछ जब ऐसा है तो फिर किसी का विरोध, जब सब में ईश्वर देखते हो तो इस सृष्टि को बचाने के लिए, ईश्वर को बचाने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए किसी में भी यदि ईश्वर को मान लिया गया है तो वो भी श्रद्धेय है। राजा उतरा और उसने स्वामी जी के पैर पकड़ लिए और पकड़ने के बाद बोले कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं, जिस विषय को मैं जन्म से ढूंढता आया और उस विषय पर मैं आज तक नहीं विश्वास कर पाया, अंग्रेजी सत्ता पर मैं विश्वास करता था जो प्रैक्टिकल सामने था, मैं आज से आपका बहुत बड़ा अनुयायी हो गया। इस प्रकार स्वामी जी टहलते रहे। एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि ये गिरे हुए कपड़े क्यों पहनते हो, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हो फिर भी ये गिरे हुए कपड़े पहने घूमते हो, इसका लॉजिक क्या है?
तो उन्होंने कहा लॉजिक इसका कुछ नहीं है, गेरुए कपड़े पहनने से लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे कि ये भिक्षु है, और भिक्षा मांगने वाले लोग मुझसे भिक्षा नहीं मांगेंगे, यदि वो मैं अच्छे कपड़े पहनकर घूमूंगा तो लोग मुझसे भिक्षा मांगेंगे, और जब लोग मुझसे भिक्षा मांगेंगे और मैं उनको भिक्षा नहीं दे पाऊंगा तो मुझे आत्मग्लानी होगी, मैं उस आत्मग्लानी से बचने के लिए इन कपड़ों को धारण किए हुए हूं, और इन गेरुए कपड़ों में मुझे शांति मिलती है। इन गेरुए कपड़े का अपना क्या लॉजिक है? वो ये कि इससे मुझे शांति मिलती है, मेरा मस्तिष्क इधर उधर भटकता नहीं, मेरे मस्तिष्क में भटकाव समाप्त हो जाता है, और इन कपड़ों से मुझे बड़ा सुकून मिलता है, और भिक्षुओं से मुझे आत्मग्लानी नहीं होती कि भिक्षु मेरे हाथ से वापस खाली चला जाएगा, इसलिए कोई भिक्षा मुझसे मांगता नहीं है। राजस्थान में जब ये टहल रहे थे तो रेगीले स्थान से निकल रहे थे, तो उस समय ये पानी की प्यास में तड़प कर बेहोश हो गए, तो एक महिला एक घड़ा लिए जा रही थी, पानी का कहीं से ला रही थी, उसने इनको पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद उसने जो साफा बांधा हुआ था वो साफा इनके सर पर बांध दिया, और ये कहा कि धूप से बचने के लिए सर को ढकना आवश्यक है, अन्यथा धूप इस रेगिस्तान में अगर ऐसे ही खुले सर घूमोगे तो तुम पानी के लिए परेशान हो जाओगे। स्वामी जी ने उस दिन से वो साफा बांधना शुरू कर दिया और अंत तक वो साफा बांधे रहे। स्वामी जी, महाराजा खेतड़ी ने स्वामी जी को स्वामी विवेकानंद नाम दिया। अमेरिका जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद कहा। खेतड़ी स्थान जानते हैं कहां पर है? राजस्थान में है, खेतड़ी दिल्ली से लगा हुआ है। तो खेतड़ी के महाराज ने इनको स्वामी विवेकानंद कह के पुकारा और उस दिन से इनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। मद्रास में एक समय पर स्वामी जी गए तो वहां के राजा ने इनको बोला कि एक विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा है संसार में, मैं चाहता हूं कि स्वामी जी आप उसमें भाग लें। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई मेरे पास तो धन है नहीं, मैं जाऊंगा कैसे और कहां हो रहा है जानना चाहा। तो उनको सिर्फ इतना मालूम था कि अमेरिका में, चूंकि भारत वालों के लिए कोई धर्म अर्म का तो हम लोग तो धार्मिक मानते नहीं थे, वो लोग वो कहते थे ये तो सब बेवकूफ लोग रहते हैं यहां, और यहां जो गेरुए कपड़े पहने टहलते हैं ये तो सब भिखारी होते हैं, धर्म तो हम जानते हैं जो चर्च बना रहे हैं। तो उन्होंने स्वामी जी से, उनको राजा को सिर्फ इतना मालूम था कि कहीं ऐसा सम्मेलन अमेरिका में होने जा रहा है, स्वामी जी को उन्होंने तैयार किया। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है कि हमारी साइंस को आधुनिक तरीके से अगर कोई लेके आया है तो वो लोग लेके आए हैं, और हम आध्यात्मिक देश हैं संसार के, अध्यात्म और आज की आधुनिक साइंस अगर मिल जाए तो इस संसार का कल्याण हो सकता है, मैं ऐसा करने के उद्देश्य से वहां जाना पसंद करूंगा। राजा ने पूरे देश से लोगों ने पैसा चंदा इकट्ठा किया उनके जाने की व्यवस्था की, उस समय जहाज चला करता था पानी का, चलने की जाने की व्यवस्था की, तो जितना खर्चा स्वामी जी ने जोड़ा उतना खर्चा तो पैसा रख लिया और बाकी लोगों का वापस कर दिया। स्वामी जी समुद्र यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंचे, शिकागो में जहां पर धर्म सम्मेलन होना था वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा अभी तो 4 माह बाकी, तो स्वामी जी क्या करें, 4 माह का तो पैसा भी नहीं, क्योंकि पैसा तो उतना ही लेके आए थे जितना आने जाने में खर्च होना था, और शिकागो बड़ा महंगा शहर था। तो स्वामी जी वहां से बोस्टन के लिए रवाना हुए, एक शहर बगल में था बोस्टन, छोटा शहर था, बोस्टन के लिए स्वामी जी रवाना हुए ताकि सस्ते शहर में रह के कुछ समय ज्यादा बिताया जा सकता है। जब ये ट्रेन पर बैठे जा रहे थे तो एक महिला इनको मिली और उस महिला ने स्वामी जी से वार्ता की। स्वामी जी इंग्लिश तो बहुत अच्छी जानते ही थे, पढ़े लिखे एमए उस समय के ग्रेजुएट थे भाई, और आप सोचो कि एमए भारत में सन 60-65 बल्कि 70 तक एमए पढ़े हुए लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड भारत में माने जाते थे, और स्वामी जी तो सन 1890 के।
तो स्वामी जी को वो महिला मिली और उससे वार्ता होने लगी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं धर्म सम्मेलन में आया हूँ, ऐसे ऐसा मेरे साथ वाक्या हो गया, मेरे 4 महीने बाकी हैं, तो मैंने सोचा बगल का बोस्टन शहर है, मैं तो साधु संन्यासी ऐसे ही पड़ा रहूंगा। तो महिला ने कहा कि आप अगर चाहें तो स्वामी जी हमारे घर में निवास कर सकते हैं। तो वो महिला अपने घर में ले गई। महिला बोस्टन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, तो वो स्वामी जी को कुछ समय बाद बड़ी प्रभावित हो गई, तो प्रभावित होने के बाद वो बोस्टन यूनिवर्सिटी ले गई स्वामी जी को। यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स बैठे और वहाँ का जो कुलपति था वो कुलपति से स्वामी जी की चर्चा होने लगी। कुलपति से जब स्वामी जी की चर्चा हुई तो कुलपति बड़ा प्रभावित हुआ। उसको लगा कि हम तो संसार के अग्रणी देश अपने आप को मानते हैं और अध्यात्म के बारे में वो फिलॉसफी का टीचर था, तो हम तो फिलॉसफी को ऐसे ही अडॉप्ट करते हैं कि फिलॉसफी हमारी देन है, बल्कि तो ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति है और इसके पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो जब उनसे कहा कि आप किसका प्रतिनिधित्व करने आए हैं, तो स्वामी जी ने कहा कि ये हमको नहीं मालूम किसका प्रतिनिधित्व करने आए हैं, हमको तो भारतवासियों ने भारतीय विरासत के साथ यहां भेज दिया है। तो कुलपति ने कहा कि बिना रिप्रेजेंटेशन के तो इस सभा में आप उस सभा में भाग ही नहीं ले पाएंगे, बिना रिप्रेजेंटेशन के उस सभा में आप भाग नहीं ले सकते, इसलिए आपको रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए। अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक पत्र लिख के देता हूं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और यूनिवर्सिटी का जो पत्र उस धर्म सम्मेलन के लिए लिखा था उस पत्र में उस कुलपति ने लिखा कि मुझे लगता है कि ही इज द बॉस ऑफ होल यूनिवर्सिटी, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में इतना काबिल प्रोफेसर एक भी नहीं है जितना ये साधु है, इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ये रिक्वेस्ट करती है कि इस व्यक्ति को भाग लेने दिया जाए। स्वामी जी ट्रेन से बैठे और शिकागो आ गए। रास्ते में वो चिट्ठी गुम हो गई, जो चिट्ठी बोस्टन के प्रोफेसर ने लिखी थी वो चिट्ठी रास्ते में गुम हो गई। गुम होने के बाद स्वामी जी जब वहां पहुंचे तो कुछ व्यवस्था तो थी नहीं, तो जहां पर वो धर्म सम्मेलन होना था उसके ग्राउंड में स्वामी जी बैठ गए, क्योंकि धन भी नहीं था बहुत, उसके ग्राउंड में बैठ गए कि भाई इंतजार करते हैं चलेंगे। तो ग्राउंड के रोड के उस पार एक महिला ने देखा कि स्वामी बैठा है, क्या चक्कर है, वो आई और उसने उनसे पूछा। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि भाई धर्म सम्मेलन कल से शुरू होना है, आज से शुरू होना है, मैं जल्दी आ गया हूं इसलिए मैं यहां पर बैठकर कुछ भिक्षा मांग लूं और भिक्षा मांगने के बाद मैं भोजन की व्यवस्था कर लूं। तो उस महिला ने कहा महाराज नहा धो तो लो। फिर वो अपने घर ले गई, इनको नहलाया धुलाया और उसने कहा कि रिप्रेजेंटेशन की बात फिर उसने कही। तो उन्होंने कहा चिट्ठी तो मैं लाया था लेकिन वो चिट्ठी तो गुम हो गई। तो महिला बोली कि जो आयोजक समिति है यहां की इस धर्म सम्मेलन की, उनका जो आयोजक है वो हमको जानता है, यदि आप कहें तो मैं चलूं साथ में। स्वामी जी ने कहा थी उत्तम। जब वो सभा आयोजन होने जा रही थी और नाम लिखा जाना था, इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो उस महिला ने कहा भाई ये भारत से आए हैं और ये आध्यात्मिक गुरु हैं और ऐसे ऐसे ये उनका पूरा वृतांत बताया, जैसा इन्होंने बताया वो ये था, आप इनको बोलने का मौका दें। स्वामी जी से जब मौके की बात आई तो स्वामी विवेकानंद से पूछा कि सब्जेक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा वो तो हमको नहीं मालूम कि सब्जेक्ट क्या है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास जो सब्जेक्ट थे वो तो सारे वितरित हो चुके हैं, अब जो सब्जेक्ट मेरे पास बचा वो शून्य है, मेरे पास जो सब्जेक्ट थे वो तो मैं वितरित कर चुका हूं, अलग अलग सब्जेक्टों पर लोग बोलने वाले हैं, आपके पास अपना कोई सब्जेक्ट है नहीं तो मेरे पास तो शून्य है। तो स्वामी जी ने कहा वो शून्य ही मेरे लिए भला है, बस इतना कृपा कर दीजिए कि सब गणमान्य व्यक्ति बोल लें, तब हमको सबसे अंत में बोलने का मौका दीजिए। तो जब सब बोलते रहे तो सबसे बाद में स्वामी जी आए, तो लोग उठने लगे थे कि एक आया है ये कौन से किस प्रकार के कपड़े पहने, बाकी तो उनके आध्यात्मिक गुरु तो सूटेड बूटी टाई लगा के आते थे और स्वामी जी फकीर कमंडल हाथ में डंडा हाथ में। तो स्वामी जी जब उस पर खड़े हुए तो स्वामी जी का पहला वक्तव्य था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये सुनकर 3 मिनट तक ताली बजी कि एक व्यक्ति जो महिलाओं को प्रधानता देता है
और दूसरे देश का व्यक्ति है वो हमको बहन और भाई मानता है, जबकि वहां की संस्कृति तो ऐसी है ही नहीं। सिस्टर कौन, ब्रदर कौन, बाप कौन, मां, बच्चा पैदा हुआ छोड़ दिया। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि प्लेटो की तो फिलॉसफी दूसरी है। प्लेटो ने तो बच्चे ने बोला है कि महिला और पुरुष का जन्म तो आनंद लेने के लिए होता है, बच्चे पालने के लिए नहीं होता। महिला और पुरुष का जन्म तो आनंद लेने के लिए होता है, बच्चे पालने के लिए होता नहीं। इसलिए बच्चे जो अगर पैदा हो भी जाएं तो उनको छोड़ देना चाहिए, वो स्वयं पल जाएंगे। तो उनकी संस्कृति तो ऐसी है, कौन मां कौन बाप कौन बच्चे कौन भाई कौन बहन। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, भारतीय संस्कृति संबंधों को प्रगाढ़ता देती है। तो इन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो तीन मिनट तक तालियां बजी। लोगों के विचार में आया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमको अपना भाई और बहन मान रहा है और महिलाओं को पुरुषों से पहले मान्यता देता है। स्वामी विवेकानंद के बाद ही पूरे संसार ने जब बोलना शुरू किया तो सिस्टर पहले शब्द इस्तेमाल किया, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। स्वामी जी की फिलॉसफी थी कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने धन्यवाद किया कि भाई मुझे आपने बुलाया, मैं भारत का प्रतिनिधि, भारत में हिंदू का प्रतिनिधि हूं और हिंदू धर्म के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा जब स्वामी जी कह रहे थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए, और सुबह के न्यूज़पेपर में अमेरिका में छपा था कि एक साधु, अ मॉन्क फ्रॉम इंडिया, एक ऐसा साधु भारत से आया है जिसने पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस दिन केवल इंट्रोडक्शन होना था, तो इंट्रोडक्शन में ही स्वामी जी बड़े भारी हो गए। फिर उसके बाद अलग अलग समय पर तीन वक्तव्य उनके हुए, तो उन तीन वक्तव्यों में स्वामी जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में क्रिश्चियंस ने कब्जा करके रखा है और चर्च पर चर्च खोलते जा रहे हैं, मैं इस चर्च के खोलने को धर्म नहीं मानता। और उसी चर्च के सामने एक भिखारी भूख से मर जाता है और आप चर्च खोलते जा रहे हैं और आप कहते हैं कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो धर्म का प्रचार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मानव मर रहा हो और आप गिरजाघर खोल रहे हो। इन गिरजाघरों में क्या होना है जब मानव की ही मृत्यु होनी है? तो ये धर्म किसके लिए बनाया है और धर्म का प्रादुर्भाव क्यों हुआ है, ये किस लिए आपने खोल के रखा है, मेरी तो समझ में कुछ आता नहीं है। इसलिए मैं इस धर्म को पूर्ण रूप से नकारता हूं, चर्च खोलना। मैं ये मानता हूं कि सभी धर्म संसार के श्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि संसार के सभी संप्रदाय श्रेष्ठ हैं, लेकिन संप्रदाय के आधार पर एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, ये तो संप्रदाय का उद्देश्य धार्मिक हो ही नहीं सकता, और ये धर्म को कभी पूर्ण नहीं कर सकता यदि एक संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को कष्ट दे। स्वामी जी ने फिर आगे बोला कि जिस प्रकार सभी नदियां बहकर एक समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार सभी संप्रदाय घूमकर एक धर्म पर आते हैं और वो मानव धर्म है। उन्होंने भारत के बारे में कहा कि मैं उस भूमि से आया हूं जिस भूमि पर कई एक संप्रदाय पनपे हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहां संप्रदायों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं। जो जिस संप्रदाय को मानता है, जो जिस भक्ति प्रार्थना को मानता है, जो जिस भक्ति भाव को मानता है, जो जिस प्रकार ईश्वर की आराधना करता है, वो उस प्रकार आराधना करता है। भारत में इस बात को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है, और हम भारतवासी सिर्फ एक फार्मूला लेकर चलते हैं और वो है किसी भी व्यक्ति की मदद करना। कोई प्राणी भूखा ना सोए और किसी प्राणी को कष्ट ना हो, यह हमारा परम उद्देश्य रहता है। उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि यहूदी भारत में आए तो यहूदियों को भारत ने शरण दी, उसके बाद पारसी भारत में आए, पारसियों को भारत में शरण दी, शक भारत में आए, शकों को भारत में शरण दी, सीथियन भारत आए, सीथिनंस को भारत में शरण दी, लेकिन भारत ने अपना स्वरूप नहीं कभी बदला। और जितने आए यहां पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को पसंद कर यहां पर रखना रहना पसंद किया। उन्होंने कहा जब क्रिश्चियनों ने और मुसलमानों ने यहूदियों को भगाया
तो यहूदियों का एक बहुत बड़ा तबका भारत में आ गया जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। भारत के समुद्र तट पर उनका स्वागत किया गया और मानवता के आधार पर धर्म को या संप्रदाय के आधार पर उनको विभेद न करते हुए उनको भारत ने सहर्ष स्वीकार किया और वो भारतीय संस्कृति में बह गए। पारसी जब मुसलमानों ने अपना अस्तित्व बढ़ाया तो पारसियों ने जिसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया वो भारत में आए और भारत ने उनका स्वागत किया। आज भारत में आप पारसी और यहूदियों को पहचान नहीं सकते कि भारत में कौन पारसी किस समय आया था और कौन यहूदी किस समय आया था। यह भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है। और उन्होंने कहा कि यह हमारा नहीं, सेक्युलरिज्म के बारे में स्वामी जी ने कहा, धर्मनिरपेक्षता के बारे में उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी प्रकार के किसी भी संप्रदाय में आपस में द्वेष भाव नहीं है। यह बात हमारे गीता में बहुत पहले भगवान ने कह दी थी और गीता के श्लोक को उन्होंने श्लोकों को याद दिलवाया और बोले कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम किसी भी मार्ग से आओ, किसी भी संस्कृति से आओ, तुम किसी भी पूजा पाठ की पद्धति को अडॉप्ट करो, तुम्हें जिस प्रकार सभी नदियां घूमकर समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार सभी संप्रदाय के लोग घूमकर ईश्वर के पास आते हैं और आप हमारे पास आएंगे तो अंत में किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को आना मेरे पास ही पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कहा तो एकेश्वरवाद के बारे में स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर कहीं एक है और रास्ते कहीं अनेक हैं, इसलिए एक रास्ते पर चलने वाला दूसरे रास्ते का विरोध करे ऐसा धर्म नहीं हो सकता। और स्वामी जी की इस फिलॉसफी से पूरा अमेरिका इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्वामी जी को धर्म गुरु मान लिया। पूरे संसार के धर्म गुरु के रूप में स्वामी जी को प्रतिष्ठापित किया। और स्वामी जी बार बार कहते आए, उन्होंने हमेशा कहा कि सभी धर्म महान हैं, सभी संप्रदाय महान हैं, किसी भी रास्ते से एक ही कार्य करना है और वो है मानवता। गिरजाघर मस्जिद और मंदिर खोलने से बहुत ज्यादा लाभ हानि नहीं होने वाली, लाभ हानि अगर होनी है, ईश्वर का कार्य करना है तो किसी मानव को आपको सुसंस्कृत करना पड़ेगा और उसकी मदद करनी पड़ेगी। किसी मानव को कष्ट रहित जीवन जितना दे सकते हैं उतना जीवन आप दें, यही धर्म का प्रादुर्भाव का उद्देश्य है और यही धर्म है। जबकि आप अमेरिका में थे, अमेरिका में खुद ही अंग्रेजों का कब्जा था एक समय पर उससे पहले, और उन्होंने ब्रिटिश शासन का भरपूर विरोध किया और कहा कि ब्रिटिश शासन भारत में जो कर रहा है वो सदैव धार्मिक नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये शासक वर्ग है और ये कब्जा करने के उद्देश्य से धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहा है। इस प्रकार अमेरिकन यानी कि अंग्रेज जो अमेरिका में थे, अमेरिकन अंग्रेजों ने ब्रिटेन का विरोध कर दिया, फिर वो वहां से यूरोप चले गए और यूरोप में स्वामी जी रहे। सन 1894 से लेकर 1897 तक वो वहां पर रहे। उनका जो उद्देश्य था वो भौतिकवाद यानी कि साइंस और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों का मिश्रण और संतुलन बनाना था, ये स्वामी जी का मेन उद्देश्य था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी के बारे में कहा, कहते जहां तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। क्या? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी जी को कह सकते हैं, यानी कि उन्होंने एक प्रणेता के रूप में भारत में कार्य किया। उनकी दो पत्रिकाएं थी, एक प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में आती थी और दूसरा था उद्बोधन जो बंगाली में थी। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में थी और उद्बोधन बंगाली में थी। न्यूयॉर्क में 1896 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1896 में स्वामी जी ने
वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। न्यूयॉर्क स्वामी जी का मानना था हमारे धर्म रसोई घर में है। जिन हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म रसोई घर में है, मानव की सेवा करना उसका उद्देश्य है। ठीक, 1902 में स्वामी जी का